SCST एक्ट में हुए संशोधन के विरोध में सवर्ण लामबंद हो गए हैं। आज देश भर के कई सवर्ण संगठनों ने बंद का आह्वान किया है। देश के अलग अलग राज्यों में भारत बंद का असर दिखना शुरू हो गया है। बंद का सबसे ज्यादा असर MP और बिहार में देखा जा रहा है। फिलहाल राज्य सरकार ने एहतियात के तौर पर मध्य प्रदेश के जिलों में धारा 144 लागू कर दी गई है। इसके अलावा पूरे प्रदेश में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं बिहार में कई इलाकों में लोगों ने सड़कों पर और नेशनल हाईवे पर जाम कर दिया है। इसके अलावा यूपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी भारत बंद का असर देखने को मिल रहा है। राजस्थान में भी कई स्कूल, कॉलेज और मॉल को बंद कर दिया गया है। आपको बता दें कि MP, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में इन विरोध प्रदर्शनों के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। SCST एक्ट में संशोधन लाए जाने के विरोध में राजस्थान में अगड़ी जातियों ने सड़क पर उतरने का ऐलान किया है। गुरुवार सुबह भारत बंद का असर यहां भी दिखना शुरू हुआ और जयपुर के स्कूल, कॉलेज और मॉल सब बंद नजर आए। बंद को लेकर बिहार में अच्छा खासा असर देखा जा रहा है। बिहार के खगड़िया में सवर्णों के समूह ने NH 31 पर जाम लगा दिया है। यहां पर लोग मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी कर रहे हैं। लोगों की मांग है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है उसका पालन किया जाए। पिछली हिंसा से सबक लेते हुए प्रशासन ने इस बार कई जिलों में हाई अलर्ट जारी कर दिया है और भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी है। बिहार के मुजफ्फरपुर में भी SCST एक्ट का विरोध, कई जगह सड़क जाम। वहीं नवादा में भी भारत बंद के दौरान लोगों ने घूम घूम कर बाजारों को बंद कराया। यहां भी राहगीर पथ पर लोगों ने आगजनी कर सड़क पर जाम लगाया। कई जगह नेशनल हाईवेज को भी जाम कर दिया गया। भारत बंद को देखते हुए उत्तर प्रदेश में सुरक्षा को मुस्तैद कर दिया गया है। राज्य में कुल 11 जिलों में हाई अलर्ट है। संभल और मुजफ्फरनगर में धारा 144 तक लगा दी गई है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए SCST एक्ट में तत्काल गिरफ्तारी न किए जाने के आदेश दिया था। इसके अलावा SCST एक्ट के तहत दर्ज होने वाले केसों में अग्रिम जमानत को भी मंजूरी दी थी। शीर्ष अदालत ने कहा था कि इस कानून के तहत दर्ज मामलों में तत्काल गिरफ्तारी की बजाय पुलिस को 7 दिन के भीतर जाँच करनी चाहिए। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटते हुए SCST एक्ट को वापस मूल स्वरूप में बहाल कर दिया और सवर्ण समाज इसी के लिए विरोध कर रहा है। निखिल कुमार, पंजाब केसरी।